हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6B का। ये क्वेश्चन है 7 और ये क्वेश्चन है सेट्स का। और सेट्स का ये जो क्वेश्चन है ICSE मैथ की बुक से आया गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है स्टेट विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्विवेलेंट आर नॉट। हमें पता करना है कि ये जितने भी पेयर ऑफ सेट दिए गए हैं इक्विवेलेंट है या नहीं। पेयर ऑफ सेट का क्या मतलब है? पेयर कब बनता है? जब दो सेट मिलेंगे तब उसका पेयर बनेगा। तो पेयर ऑफ सेट इक्विवेलेंट है या नहीं। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है शॉर्ट में बता देते हैं, इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है। और इसके लिए, इस एक्सरसाइज के लिए हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे, उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में बता देते हैं इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट होने का मतलब जैसे कोई सेट ए है और दूसरा सेट बी है, और अगर इसमें कोई एलिमेंट है 4, 5, 6, 7, ठीक है, और इसमें एलिमेंट हैं 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 एलिमेंट है। 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी कितने हैं? 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, जब दोनों में बराबर बराबर मतलब 4-4 एलिमेंट हैं तो ये दोनों सेट क्या है? इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो ये सेट होगा इक्विवेलेंट। अगर 6 इसमें होते, 6 इसमें भी होते एलिमेंट, तब ये सेट क्या होता? इक्विवेलेंट होता। दोनों सेट में अगर बराबर बराबर एलिमेंट होंगे मतलब सदस्य होंगे तो वो सेट क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। और इक्वल सेट इससे एकदम डिफरेंट होता है, उसकी बात हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। इक्विवेलेंट सेम एलिमेंट नहीं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, 4 इसमें 4 इसमें, 8 इसमें 8 इसमें, 9 इसमें 9 इसमें, इस तरीके से एलिमेंट होंगे दोनों सेट में, तब क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। तो हमें क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है? 7 का फर्स्ट वाला। देखते हैं क्या इसने बोला है। इसने बोला है सेट ए है कोई, उसमें बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू एन एंड 11 इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2x-1 एंड सेट बी है दूसरा सेट y such that y is belong to w and 3x is less than or equal to y and y is less than or equal to 9। ठीक है, तो अब हमें ध्यान कहाँ देना है? ध्यान हमें पहले वाले सेट पे देते हैं। पहला वाला सेट में क्या लिखा गया है? लिखा गया है x such that x is belong to n and 11 is greater than or equal to 2x-1। ठीक है, तो हमें ध्यान देने वाली बात कहाँ है? पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पे कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट x है और x की वैल्यू कहाँ से आ रही है? n से आ रही है। n का यहाँ क्या मतलब है? n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको नहीं पता होगा उसको नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ेगा तो उसे पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। शॉर्ट में बता दे कि नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनेट तक, वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ से आ रही है? x की वैल्यू कहाँ से आ रही है? n से। कहाँ से? n मतलब नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, सेट a की वैल्यू कहाँ से आने वाली है? नेचुरल नंबर से। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इन्फाइनाइट, ठीक है, आगे तक जाता रहेगा और नेचुरल नंबर से आएगी। लेकिन नेचुरल नंबर में तो बहुत से नंबर होते हैं, कितना आएगी वो इसको सॉल्व करने पे पता चलेगा, कितना आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे पता चलेगा। ये इक्वेशन नहीं, ये इन इक्वेशन है, लीनियर इन इक्वेशन। जिसको लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है नहीं पता है, लीनियर इन इक्वेशन के लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसको जाकर समझ सकते हैं लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है। तो सीधे सीधे सॉल्व करते हैं पहले इसको। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखा गया है? लिखा गया है, सॉल्व कर लेते हैं, 11 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x-1। ठीक है, इसको लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है 11,
ये जो है 2x को ऐसे ही रहने देते हैं, नेगेटिव 1 जो है ट्रांसपोज होके जाएगा लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये बन गया है, ये हो जाएगा 12, ये इज ग्रेटर देन इज 2x, तो ये हो जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं तो 2x, ये आसानी होगी, ठीक है, अब हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x इज लेस देन आर इक्वल टू 12 इज डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये है x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, तो इसके सेट कौन से, सेट a के एलिमेंट क्या होंगे, ये वाला, a वाला सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है, यही वाला ना, तो a के एलिमेंट क्या होंगे, कहां से n, x इज बिलोंग टू n, x की वैल्यू कहां से आ रही है, नेचुरल नंबर से, n से आ रही है, तो नेचुरल नंबर में से इसी में से कितना आएगा, 6 से कम, 6 के बराबर भी और 6 से कम भी, तो सेट a के एलिमेंट क्या होंगे, होंगे 1 होगा, 6 से कम ना, 6 के बराबर, 6 से कम बराबर होगा, तो होगा 6, पहले 6 आता है, फिर 5 आता है, 4 आता है, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 के बराबर और 6 से कम जितने भी नंबर हैं उसको हमने इसी में से ले लिया, ठीक है, 5 6, इसे आगे तक जाता है ना, उसी में से ये आया हुआ है, अभी तो ये वाला इक्वेशन सॉल्व होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि इसके एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है। तो ये ए वाला सॉल्व हो गया, बी वाला यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ क्या बोला गया, 3 इज लेस देन, ये सेट कौन सा है, सेट बी का है, तो इसकी वैल्यू 3 से लेकर 9 के बीच में है, 3 4 5 6 7 8 9, 3 से लेकर 9 के बीच में है, ठीक है, 3 से लेकर 9 के बीच में जितने भी नंबर है सबको लिख लिया, ठीक है। तो हमें क्या पता करना था, इक्विवेलेंट है या नहीं है, इक्विवेलेंट है या नहीं है, यही हमें पता करना था। इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है, जब दोनों सेट में अगर बराबर बराबर एलिमेंट होंगे, बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तब वो इक्विवेलेंट होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो सेट है फर्स्ट वाला इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, नॉट इक्विवेलेंट, हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व किया है फिर इसको लिया, तो हम लिख सकते हैं नॉट इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट है, इसमें जो है कितने, 6 एलिमेंट है, तो ये क्या है, नॉट इक्विवेलेंट है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में क्या लिखा है, इसमें बोला है सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो है दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट होंगे या नहीं, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इंटीजर का क्या मतलब होता है, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को एन से, ठीक है, जो इसका सेट होगा 0 से शुरू होगा लेफ्ट साइड में, सभी नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये है 1 2 3 4 5, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 -- इनफाइनाइट तक ये जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसमें इस वाले सेट में, सेट ये जेड वाले में और ये सेट इस वाले में, ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, हमें नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम क्या कहें इसे, इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है, जब दोनों सेट में सेम बराबर बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, 10 अगर 10 एलिमेंट इसमें होते, 10 इसमें भी होते, तो हमें पता चल जाता कि इक्विवेलेंट सेट है, 5 इसमें होते, 5 इसमें भी होते, तो हमें पता चल जाता कि इक्विवेलेंट सेट है। तो दोनों इसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, नॉट इक्विवेलेंट, ये क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये समझ में आ गया,
तो अब हम सॉल्व करेंगे ये थर्ड वाला क्या है, इसमें क्या करना है। इसने बोला सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री। सेट ऑफ होल नंबर का क्या मतलब है, ये सेट ऑफ होल नंबर क्या मतलब, होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, W से। सेट ऑफ होल नंबर का मतलब क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, जिसको नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तब वो जो सेट होता है होल नंबर बन जाता है, और जिसको फिर भी नहीं पता उसको नंबर सिस्टम पढ़ना जरूरी है। नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा होल नंबर क्या होता है। वैसे हम शॉर्ट में बता देते हैं होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर लेंगे तो हो जाएगा होल नंबर, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 5 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री के जितने भी मल्टीपल हैं, जैसे मल्टीपल ऑफ थ्री ये W है, कोई और सेट इसको B सेट मान ले, ये W सेट B सेट मान लेते हैं। मल्टीपल ऑफ थ्री क्या होगा, मल्टीपल ऑफ थ्री का मतलब 3, 1, 3, 3, 2, 3 का पहाड़ा भैया, 3 के मल्टीपल का मतलब 3 के बहुत से मल्टीपल हो सकते हैं, 3, 1, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 10, 10 के बाद 11, 12 से भी मल्टीपल हो सकता है, तो ये भी इन्फाइनाइट, दोनों इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो हमें ये कन्फर्म नहीं हो रहा है, ऊपर वाला भी इन्फाइनाइट नीचे वाला भी इन्फाइनाइट तक जा रहा है, हमें कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि ये दोनों सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, हमें नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, नहीं पता चल रहा है तो हम बोल सकते हैं नॉट इक्विवेलेंट। ये भी क्या है, नॉट इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई सेट P है जिसमें एलिमेंट है 5, 6, 7, 8 और दूसरा वाला सेट है, ये जो है इक्वेशन नहीं दिया गया है, हाँ इक्वेशन ही है, इन इक्वेशन है, ठीक है। तो ये लो सॉल्व करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है, सेट P है जिसमें एलिमेंट है 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5, 6, 7, 8 और ये वाला जो सेट है M जिसका नाम है, इसमें जो है x की वैल्यू कहाँ से आने वाली है, होल नंबर से आने वाली है, होल नंबर मतलब जीरो, इन होल नंबर से मतलब इसको पहले लिख ही लेते हैं, क्या है x such that x is belong to W and x is less than or equal to 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कहाँ से आने वाली है, होल नंबर से। होल नंबर का क्या मतलब है, ऐसा नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं मतलब मिला लेते हैं तो वो नंबर क्या तैयार होता है, होल नंबर। और जिसको होल नंबर नहीं पता होगा उसको नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, शॉर्ट में बता देते हैं, तो होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, और उसमें होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, ठीक है, 4, डैश डैश इन्फाइनाइट तक आगे तक जाता है। तो इसके x की वैल्यू कहाँ से आने वाली है, W से, W मतलब होल नंबर से आने वाली है, होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर में, आगे तक जाता रहता है इन्फाइनाइट तक। अब कितनी आएगी यहाँ से पता चलेगा, x की वैल्यू कितनी आने वाली है, आने वाली है x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब 4 के बराबर भी रहेगी और x से जितने भी लेस हैं, 4 से जितने भी लेस नंबर हैं वो भी लिख लेंगे, 4 से 4 के बराबर है तो 4 भी लिखेंगे, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और होल नंबर से आने तो होल नंबर में तो 0 भी होता है तो इसको भी लिख लिया है, ठीक है। तो सेट इस वाले सेट M में कितने एलिमेंट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, किस में से निकल के आया है, 4, 3, 2, 1, 0, इसी में से आया ना। X की वैल्यू कहाँ से आने वाली थी, W से, तो W यह है, W में मतलब होल नंबर से, तो W में से ही ये छांट के, W में से ही छांट के ये लिखा गया है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसका जो है ये इक्विवेलेंट है या नहीं ये बताना है। तो सेट M में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट है, एक में 4 एलिमेंट है, एक में 5 एलिमेंट है, तो हम क्या कहें, ये क्या है, नॉट इक्विवेलेंट है, क्या है, नॉट इक्विवेलेंट। अगर इसमें 5 है, इसमें भी 5 होता तो दोनों सेट क्या होते, इक्विवेलेंट होते। इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट होता तो ये दोनों सेट क्या होते, इक्विवेलेंट होते, लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है। अब आई मुद्दे की बात,
बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। बाय।